बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वेलकम वेलकम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम मिलके इस शैम्पू की खाली बोतल के साथ ना कोई अच्छा सा जुगाड़ लगाएंगे। ऐसा जुगाड़ लगाएंगे ना कि हमारे ये बहुत काम आने वाला है। हर जगह पे इसे हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो हमारा किचन हो, हमारा बाथरूम हो, या हमारे कहीं पे भी आप इसको ना हैंग भी कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि इससे करना क्या है, ये शैम्पू की बोतल को क्या करना है। तो आप ये देखें, यहाँ से हम इसको कट करेंगे। जैसे जैसे ये मैं ये फिंगर के साथ पॉइंट कर रही हूँ, तो आप ऐसे इसे अच्छी सी कटिंग कर लीजिएगा। कटिंग करने के लिए आसान तरीका और घरेलू जो तरीका जो हम अक्सर यूज़ करते हैं वो यही है कि अपनी छुरी को, पुरानी सी छुरी लें, नई ना लीजिएगा क्योंकि उसके ऊपर ये प्लास्टिक के दाग बन जाएंगे। तो मैंने ये एक पुरानी सी छुरी रखी हुई है इन्हीं कामों के लिए। सबसे पहले आप इसको ना अच्छे से हीट दे लेना आग के साथ, तकरीबन आधा मिनट इसको ना आग पे रखें और ये अच्छे से गर्म हो जाएगी आपकी छुरी। तो फिर बहुत ही इजीली आपका ये जो भी आप इसको शेप देंगे ना, उस शेप में ये कटता जाएगा। अभी मैं इसके पीछे लगाने लगी हूँ ये डबल टेप इसलिए ताकि ये मुझे दीवार पे सुराख ना करना पड़े और मैं इसको ना कहीं पे भी लगा सकूं। अगर आप किसी कील पे हैंग करना है इसको, तो आप यहाँ पे होल करें और रस्सी डालें और जहाँ मर्जी करें आप इसको टांग लें। मुझे ये जगह जगह पे कील बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए अगर मैं इसको जिस जगह के लिए बनाया है ना, अगर मेरा दिल भर जाए यहाँ से उठा के किसी और जगह पे इसकी ज़रूरत महसूस करूँ, तो इजीली मैं यहाँ से इसको उतारूँगी, तो जहाँ चाहिए वहाँ ले जाऊँगी। तो ये देखिए इसका डबल टेप को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इसके पीछे भी एक टेप होती है, दोनों साइड पर ग्लू होती है लगी, तो आप उसको उतारें, दीवार के साथ चिपकाएँ। चिपकाने के बाद ये देखें कि मैंने इसको क्यों बनाया है। मैंने इसको बनाया है एज अ मोबाइल होल्डर। हम जब अपना मोबाइल चार्ज लगाते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी टेंशन होती है कि अभी हम इसको कहाँ रखें। तो कभी कोई चेयर उठा के स्विच के पास ले जाते हैं, कभी चारपाई पड़ी है उसके ऊपर रख दिया, कभी बेड के पास रख दिया, तो ये कोई सही सेफ तरीका नहीं है। इसलिए बेहतर यही होता है कि हमें ना चाहिए होते हैं कोई मोबाइल होल्डर, तो इतने महंगे एक्सपेंसिव हम लेने चले जाते हैं बाजार से, तो वो अवॉइड करने के लिए मैं ये तरीका आपके लिए लेके आई हूँ। तो आप इजीली इसको घर पे बनाएं और अपने स्विच के साथ टांग लें, जहाँ इसकी ज़रूरत समझें इसे बनाएं, इस्तेमाल करें और इंजॉय करें। थैंक यू। चलते हैं आज की हमारी हदीस शरीफ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मुसलमान भाई से झगड़ा मत करो और ना इससे ऐसा मजाक करो जो झगड़े का सबब बने, और ना इससे ऐसा वादा करो जो कि तुम पूरा ना कर सको। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नए आए हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सारी आपके पास वक्त पर पहुँच जाया करें।